ऐसी की घटना घटी, एक गुरु अपने चेले दे आगे चोली फैला के दान मांग रहा है, ये दुनिया में पहली घटना घटी। ये जो पावन पवित्र धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का अपने सरपण किया है, आप उन्होंने लिखत है दसम ग्रंथ के विच। परमात्मा जागता है, मनुख सुता होया है। जागे दा जागे दे नाल संबंध जुड़ता है। दो बंदे जागे होवन, आपस में गलबात करते हैं, पता चलता है गलबात हो रही है, कोई रिश्तेदार है, भैन भरा है, संबंध जुड़ते हैं जागे हुए दे जागे दे नाल। एक सुता होया है, एक जाग रहा है, संबंध नहीं जुड़ेगा। एक बंदा सुता होया है, एक जाग रहा है, जागया होया गल कर रहा है, सुता है सुता पे उसको की पता कि कहड़ी गल कर रहा है। संबंध जुड़ता है जागे दा जागे हुए दे नाल, सुते हुए दा जागे नाल संबंध नहीं जुड़ता। परमात्मा जागता है, मनुख सुता है, सतगुरु जागता है, परमात्मा जागता है, मनुख सुता है। एक घटना दास नूं याद आई, बड़े मरीज बैठे हुए डॉक्टर दे कोल, ते दास भी अपनी दवाई लैन गया सी गले दी। ज्यादा मरीज कह रहे हैं डॉक्टर साहब फर्क है, पहले नालों आराम है। मेरे वर्गा कहिंदा है कि सारे नूं आराम आ रहा, मैनूं क्यों नहीं आराम आ रहा। जिहड़ा दवाई खांदा है जिस तरह वैद ने दस्या है, डॉक्टर ने दस्या है, उसनूं आराम आवेगा। जिहड़ा दवाई डॉक्टर दे कहण अनुसार नहीं खावेगा, आराम नहीं आवेगा। सारे कह रहे हैं आराम आ गया है, आराम आ गया है। कुछ कुछ मरीज कहते हैं आराम नहीं आया, नहीं आया। इसे तरह जदों असीं नितनेम करते हाँ, गुरबाणी पढ़ते हाँ, गुरबाणी सुनते हाँ, सारिआं दा चित परमात्मा दे नाल नहीं जुड़ता। किसे किसे दा जुड़ता है, किसका जुड़ता है, जो जाग रहा है। जागना जागन नीका, हर कीर्तन में जागना, जागना जिहड़ा कीर्तन में जाग रहा है, सुचेत होके सुन रहा है, उसका संबंध परमात्मा दे नाल जुड़ता है। जागे दा जागे हुए नाल संबंध जुड़ता है, सुते हुए दा जागे नाल संबंध नहीं जुड़ता। सतगुरु सच्चे पातशाह धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी इस पावन पवित्र शब्द च बड़ी कमाल की गल कही। ए बिद करत तपस्या पियो, द्वै ते एक रूप हवै होए की। मैं परमात्मा की इतनी आराधना की, इतनी साधना की, एक रूप हो गया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिल है सारंग पानी, राम कबीरा एक पे है कोई न सके पछा, एक हो गया। आत्मा परमात्मा एक हो गई है। कबीर साहब कहते परमात्मा तेरे और मेरे विच हुण कोई फर्क नहीं रहा, तू परमात्मा है मैं तेरे विच हाँ, मैं कबीर हाँ परमात्मा मेरे विच है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, है परमात्मा तेरे विच मेरे विच, मेरे विच तेरे विच हुण कोई फर्क नहीं रहा। किस तरह का फर्क नहीं रहा, कनक कटक जल तरंग जैसा। कनक कहते ने सोने नूं, कटक कहते ने गहनिया नूं, जल कहते ने पानी नूं, तरंग कहते ने नहर नूं। सोना और गहना एक है, चीज एक है। पानी और लहर एक है, कोई कहे कि लहर बखरी है पानी बखरा, यह नहीं हो सकता। सोना और गहना एक है, पानी और लहर एक है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, है परमात्मा तेरे विच मेरे विच, मेरे विच तेरे विच कोई फर्क कोई नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, शर्त एक सी के दोए जागे हुए, परमात्मा तो जाग ही रहा है। जीव जब जागे तो गल बन जाती है, दवै ते एक रूप होए गए। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज
आज पावन पवित्र त्यारा बढ़िया बाल साखियां तन तन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दियां हन। आओ अगला शब्द भी आप श्रवण करिए ते नाल इक दो साखियां सच्चे पातशाह दे जीवन विचों सुना के अगर समाप्ति करांगे। आओ सारे कृपा करो ते प्रकाश हमारा पेरो पटना शहर सारे।